आसिफ अली जरदारी ने मुल्क चौध में सदर की हैसियत से हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने आसिफ जरदारी से हलफ लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में शिरकत, सियासी और अस्करी क्यादत समेत अहम शख्सियात भी मौजूद थे। आसिफ अली जरदारी को सदारती प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। कौमी क्यादत की सदर मुमलिकत को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। मुल्क भर में पीपल्स पार्टी के जियालों का जश्न। दो हुक्मरान खानदानों ने एस्टैब्लिशमेंट की मदद से इक्तदार पर कब्जा किया। इन दो खानदानों की मुल्क में ये आखिरी हुकूमत होगी। हुकूमत वादा पूरा करे और बिजली के बिलों में 300 यूनिट मुफ्त करें। अमीर जमात इस्लामी सिराज उल हक का गजा रैली से खिताब। फलस्तीन से इजहार यकजहती के लिए जुमात उल विदा को अमरीकी सफारत खाने की तरफ मार्च करने का ऐलान। हाफिज नईम रहमान ने कहा, हुक्मरान झूठे मुंह भी फलस्तीन का जिक्र नहीं करते, हम फलस्तीनियों के हक में आगे बढ़ेंगे। और समंदर में डूबने वाले 14 माहीगीरों के वर्सा का एहतजाजी मुजाहरा। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में लापता माहीगीरों के बच्चे और खवातीन भी एहतजाज में शरीक। मुजाहरीन का प्यारों की तलाश का ऑपरेशन वसी करने का मुतालबा। हुकाम के मुताबिक 14 माहीगीरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।